जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इन दो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को भाग करने का बहुत ही बेसिक तरीका समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ दो एग्जाम्पल से भाग करना सिखा दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं और भागों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल समझा दूंगा कि भाग करते कैसे हैं। चलो हम लोग सीखते हैं। तो पहली भाग हमारे पास है, दो से भाग देना हमें, आठ है, पाँच है, जीरो है, छः। तो इस संख्या को हमें दो से भाग देना, तो कैसे देंगे चलो हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना, हम इधर की पूरी संख्या नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ पहली संख्या। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, आठ है, और इधर कौन सी है, दो है। तो आप लोगों को पता होगा कि आठ बड़ी संख्या होती है कि दो बड़ी संख्या होती है। तो कौन सी बड़ी संख्या होती है, आठ बड़ी संख्या होती है। जब ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होती है तो इसका भाग इसमें हो जाता है। अब ये बड़ी संख्या है तो हम दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि आठ आ जाए या आठ से कम आ जाए, लेकिन आठ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्याय छः, दो चकू आठ। तो आ गया आठ, कितनी बार में आया, दो का पहाड़ा हमने चार बार पढ़ा और आठ हमारे पास आ गया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ा, चार बार पढ़ा ना, तो चार तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब जितना आता है, जैसे चार दो चक्कू आठ, आठ आया है ना, तो आठ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना होगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो तो आठ में से आठ को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो हम इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, पांच। तो हम पांच को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमने उतार लिया पांच को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि पांच आ जाए या पांच से कम आ जाए, लेकिन पांच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्याय छः। अगर हम दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे तो छः तो ज्यादा हो जाएगा पांच से, और पांच से ज्यादा हम लिख नहीं सकते, और दो के पहाड़े में पांच आता नहीं है, तो पांच आता नहीं तो पांच से कम वाली संख्या हम लोग लिखेंगे, वो कौन सी है, चार है। तो चार कितनी बार में आएगा, तो दो दूनी चार दो बार में आएगा ना। अब दो दूनी चार दो बार में आएगा तो दो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना आया है, चार आया है, तो चार को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो तो पांच में से चार को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, एक बचेगा, तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक और यहाँ पर दो है, तो एक छोटी संख्या है दो बड़ी संख्या है, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, जीरो। तो हम जीरो को यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने जीरो को यहाँ पर उतारा तो संख्या बन गई हमारे पास दस। अब हम लोग दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि दस आ जाए या दस से कम आ जाए, लेकिन दस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्याय छः, दो चक्कू आठ, दो पंची आपका कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। अब कितनी बार में आया, पांच बार में, तो पांच हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब दस आ गया है तो दस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो जीरो में से जीरो को घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, और एक में से एक को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब फिर से यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है, छः। तो हम छः को यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने छः को यहाँ पर उतारा तो अब हम लोग करेंगे ये कि दो का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि छः आ जाए या छः से कम आ जाए, लेकिन छः से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो दो कम दो, दो दूनी चार, दो त्याय छः। आ गया छः, कितनी बार में आएगा, तीन बार में आया, तो तीन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब छः आया है तो छः को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो
तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं और ये हमारी भाग पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसी तरीके से भाग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग एक भाग ये भी देख लेते हैं जिससे कि आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप भाग में कोई भी गलती ना करें। तो क्या करना है हमें, इधर 3 से भाग देना है, 9 है इधर 7 है 5 है 8 है, तो हम इधर की पूरी संख्या नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या यहाँ पर है 9। अब 9 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। अब हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्या 9, आ गया 9। कितनी बार में आया, 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और 9 आ गया हमारे पास। अब 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो 3 तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 आ गया है हमारे पास तो 9 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस, तो कर लेते हैं 9 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 7। तो हम 7 को यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 7 को उतारा तो 7 बड़ी संख्या, 3 छोटी संख्या, तो 3 का पहाड़ा अब हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्या 9। अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 7 से 9 ज़्यादा हो जाएगा, और 3 के पहाड़े में 7 आता नहीं है, तो 7 से ज़्यादा हम लोग लिख नहीं सकते, और 7 आता नहीं है तो 7 से कम वाली संख्या लिखेंगे, वो कितनी है, 6 है। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा। तो 2 बार में आएगा तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 आया है तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस, कर लेते हैं। तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास 1 छोटी संख्या रह जाएगी, 3 बड़ी संख्या रह जाएगी, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है कितनी, 5। तो हम 5 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब जब हमने 5 को उतारा तो संख्या बन गई यहाँ पर 15। अब हम लोग 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्या 9, 3 चक्कू 12, और 3 पचे आपका कितना हो जाएगा, 15। आ गया 15, कितनी बार में आया, 3 पचे 15, 5 बार में आया। तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 15 जो आया है तो 15 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस, कर लेते हैं। तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 8। तो हम 8 को यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 8 को उतारा तो हम क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्या 9। तो 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, और 8 तो 3 के पहाड़े में ही नहीं आता है, तो 8 आता नहीं है, और 9 हम इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते, तो 8 से कम कौन सी संख्या, 6। तो 6 को हम लोग पढ़ेंगे, कितनी बार में आएगा, 6। 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 जो आया है तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस, कर लेते हैं। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब यही जो 2 आया है ना, ये हमारा बचा हुआ है शेष, इसी को बोलते हैं शेष, या इसी को बोल सकते हैं शेष फल, ठीक है। तो यही हमारा 2 जो बचा है वो शेष फल बच गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये भाग समझ में आ गई होगी, और भाग करने का तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।